वेलकम टू श्रीजी क्रिएशन। आज हम बनाएंगे मूंग दाल की सब्जी। ये सब्जी आज मैं आपको एकदम आसान तरीके से कुकर में किस तरह से बनानी है वो सिखाने वाली हूँ। तो चलिए उसे किस तरह से बनाना है वो देख लेते हैं। सब्जी बनाने के लिए मैंने एक कप मूंग दाल ली है, जिसे आधे घंटे पहले मैंने पानी से धोकर भिगो के रखा है। आधा घंटा मैंने इसे भिगोया है, तो अब हम इसमें से सब्जी बनाएंगे। तो एक कुकर ले ले और उसमें ऑयल गरम करने के लिए रख दे। मैंने 2 टेबलस्पून जितना ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। उसमें थोड़ी राई ऐड करें। राई हो चुकी है, गैस लो करके थोड़ा जीरा ऐड करेंगे, थोड़ी सी हींग, 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे। और अब हम इसमें मूंग की दाल ऐड करेंगे। बिना पानी के ही मूंग की दाल अभी ऐड करनी है। गैस लो ही रखें और इसे एक बार मिक्स कर ले। मसाले करेंगे, स्वाद अनुसार नमक ऐड करें। मैंने 1/2 टीस्पून जितना ऐड किया है। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, ये सब्जी ज्यादा तीखी नहीं होती। 1/4 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर ऐड करेंगे। एक बार फिर से इसे मिक्स कर लेंगे। मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं, उसमें पानी ऐड करें। इस तरह से दाल से इतना ऊपर रहे उतना पानी ऐड करना है। 1 कप पानी ऐड किया है, इसकी 3 विसल कर लेंगे मीडियम गैस पे। 3 विसल के बाद कुकर ठंडा हो चुका है, इसे खोल लेंगे। आप देख सकते हैं दाल बहुत ही अच्छी तरह से पक चुकी है। इसे चेक भी कर लेते हैं हम। 5 मिनट रहने दे, उसके बाद इसे इस तरह से मिक्स करें। ये इजीली इस तरह से मैश हो जाती है। अब हम इसे एक बाउल में ले लेंगे। अब हमारी मूंग दाल की सब्जी सर्विंग के लिए रेडी है। इसे बनाने में सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है। तो आप अगर इस सब्जी को सुबह में बच्चों के लंच बॉक्स के लिए या टिफिन के लिए बनाना चाहते हैं, तो बहुत ही जल्दी से ये बनकर रेडी हो जाती है। और आप इसे रोटी, चावल और इसके साथ कढ़ी सर्व करते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया लगता है। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी।